मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली की गौरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर। आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। आदिपुरुष हिंदी फिल्म का सारांश। इस फिल्म में ग्राफिक टेक्नोलॉजी और 3D का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस फिल्म को बनाने में लगभग 500 करोड़ रूपए। इस फिल्म का कुल कारोबार अनुमानित 450 करोड़ रुपए। आदिपुरुष अनुवाद प्रथम मनुष्य 2023 की भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जो रामायण से प्रेरित है। ये फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रोफाइल्स द्वारा निर्मित है। इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास, श्री राम, प्रीति सेनन, माता सीता और सैफ अली खान रावण के रूप में है। 500 करोड़ रुपए के बजट पर निर्मित आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में समाप्त हुई, जिसमें प्राथमिक फिल्मांकन मुंबई में हो रहा था। ये फिल्म 16 जून 2023 को सभी सिनेमा घरों में रिलीज हुई। अनुमानित 7 लाख साल पहले भारत वर्ष में अयोध्या के राजा व हिंदुओं के पूज्य श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता को बचाने के उद्देश्य से लंका द्वीप पर रावण से युद्ध करने हेतु अपने भाई लक्ष्मण, हनुमान, अगस्त, सुग्रीव, जामवंत और पूर्ण वानर सेना के साथ जाते हैं। क्योंकि लंका के राजा लंकेश रावण ने माँ जानकी का छल से अपहरण कर लिया था। आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषित किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम का किरदार निभाया है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तन्हाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1996 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रामायण को अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया गया था। राउत ने भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत प्रोजेक्ट पसंद आया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड पर थी। 500 करोड़ के बजट के साथ आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। दृश्य प्रभावों पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान, जो पहले से ही राउत की तन्हाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, को लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को देवी सीता की भूमिका के लिए संपर्क किए जाने की अफवाहों के बाद नवंबर 2020 में ये बताया गया कि कृति सेनन भूमिका को निबंधित करने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। सनी सिंह, जो फरवरी 2021 में सेट पर शामिल हुए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई, भारत में किया गया। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, उस दिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की। नवंबर 2021 में प्रभास भीलपेटा हुआ शूट। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी कर ली गई है। आदिपुरुष 16 जनवरी 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई है। ये पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ये तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अन्य कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डब संस्करणों के साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभरा गुप्ता ने आदिपुरुष फिल्म की पटकथा और दृश्यों की आलोचना करते हुए इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और इस फिल्म को भद्दे कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक श्रृंखला जो बेकार बॉलीवुडिया अंदाज से सरोबोर के रूप में वर्णित किया। साथ कोइमोई के उमेश पोनवानी ने आदिपुरुष को 5 में से 2 स्टार ही दिए और फिल्म बनाने की दृष्टि और फिल्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स CGI की आलोचना की और फिल्म को अनुसंधान की कमी, एक त्रुटिपूर्ण सोच व दृष्टि है और CGI जो आपके मस्तिष्क पर गहरा आघात पहुंचाता है, जो ओम राउत इस आकार की एक परियोजना को पूरा करने के लिए एक भी विभाग में महारत हासिल करने में विफल रहे के रूप में वर्णित किया।